आज हम बात करेंगे हिजामा के बारे में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हिजामा करते वक्त कैसे रहा है, उसके रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको जानने मिलेगी इस वीडियो में, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो। ठीक है, सो बेसिकली ये जो मैं वीडियो इस वक्त बना रहा हूँ, ये मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है। ठीक है, हिजामा मैंने कल करवाया था, तो आज मैं जो वीडियो ये बना रहा हूँ, ये जो पार्ट है स्टार्ट का, इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि हिजामा करने के बाद कैसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हिजामा करने के बाद जो निशान होते हैं वो कितने दिनों तक रहते हैं, कैसे रहते हैं, कितने मतलब विजिबल रहते हैं। ठीक है, तो मैंने कल जो हिजामा कराया था टोटल 5 पॉइंट्स पे करवाया था, जैसे कि अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा तो देखिए मैंने दो यहाँ पे करवाए हैं, आपको हल्का सा रेडिश दिख रहा होगा, एक दो जैसे मैंने बताया यहाँ पे कराया था, एक मैंने यहाँ पे कराया था 3, और एक मैंने अपने पीछे तरफ करवाया था 4। ठीक है, सर पे ही, और एक मैंने बिटवीन आर शोल्डर्स करवाए थे, तो 5 पॉइंट पे मैंने करवाए थे। ठीक है, आप चाहो तो आप 3, 2, 5, 10 जितने चाहो उतने कपिंग्स, जिसे अभी आज के जनरेशन में कपिंग थेरेपी बोल रहे हैं, जिसे वो करवा सकते हो अपने बॉडी पे वेर एवर यू वॉन्ट। ओके, देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस टू इट, बट जो मेन पॉइंट्स हैं बॉडी में जो करवाना है, हमारे नबी की जो सुन्नत है, वो बॉडी में 9 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, आप अगर वीडियो पूरा देखते हो एंड तक, आपको पता चलेगा कौन से वो 9 पॉइंट्स हैं जहाँ पे कराना हमें सुन्नत है, जिसमें ओवरऑल बॉडी कवर हो जाती है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें जॉइंट्स की तकलीफ होती है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको यहाँ पे तकलीफ है तो आप यहाँ पे भी करवा सकते हो, बट दिस इज़ नॉट कवर्ड इन दैट 9 पॉइंट्स। ओके, सो देर आर डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, सो मैं आपको अभी आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, लगभग मैक्सिमम इसमें जो है 1 से 2 घंटा लगता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी कपिंग्स जो आप करवा रहे हो। ठीक है, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 1 और 1.5 आवर। ठीक है, सो कल मैंने ये हिजामा करवाया था। ठीक है, करवाने के बाद ये भी क्वेश्चन होगा लोगों का कि मुझे मतलब कैसा फील हुआ, बर्निंग सेंसेशन हुआ, दर्द हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली आई एम फीलिंग मोर रिलैक्स्ड, कल मैंने करवाया था और रात में सोने के बाद मतलब बढ़िया नींद आई है। ठीक है, और ऐसा कोई बर्निंग सेंसेशन, दर्द ऐसा कुछ नहीं है, कोई मार्क्स फिलहाल जो आपको जो अगर आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा हल्का सा रेडिश, कुछ लोगों का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मैक्सिमम ये 4 से 5 दिन तक रहेगा, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो और भी वीडियो में हम जानेंगे, और मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दूँ, ऐसा ये कोई कॉस्टली थेरेपी नहीं है, पर कप आपको 100 रुपीज़ का पड़ता है, जो मैंने अपने डॉक्टर से करवाया था, वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने पर कप 100 रुपीज़ चार्ज किया था। आप अपने नज़दीकी लोकल एरिया में कोई भी डॉक्टर से करवा सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इसका चार्ज वेरी करता है बिटवीन 100 to 150, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी कप्स यू आर डूइंग। ऑलराइट, सो सबसे पहली बात मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसकी जो है गारंटी मैं ले सकता हूँ, बिकॉज ये हमारे नबी की सुन्नत है, नबी ने हमें बताया है कि हिजामा करना है। ठीक है, जिससे बहुत सारी शिफा मिलती है हमें, तो साइड इफ़ेक्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब ये हमारी नबी की सुन्नत है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आपको और भी जानकारियाँ मिलेंगी, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए, और ये वीडियो को आप जो है जितना हो सके शेयर कीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो, इसलिए इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई विल शो यू हाउ यू नो द इंटायर प्रोसेस ऑफ डूइंग हिजामा वॉज। ओके, माई एक्सपीरियंस इज यू नो फैंटेबुलस आई वुड से। ठीक है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने सर पे करवाया, तो स्पेशली मैंने इसीलिए करवाया कि काफ़ी मुझे हेयर लॉस हो रहा था, सो काफ़ी हेयर लॉस की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हेयर ग्रे जो होते हैं कुछ लोगों के, काफ़ी कम उम्र में देखा जा रहा है आज की जनरेशन में,
वो आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। लोगों को चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, वो आपकी जो है काफ़ी हद तक यू नो उसमें आपको शिफा मिलेगी। जॉइंट पेन्स होते हैं, आपके न्यू मसल टिश्यू यू नो जनरेट होते हैं, फिर आपके मसल स्ट्रेंथनिंग, बहुत से फ़ायदे हैं इसके, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। और बाकी फ़ायदे और इसका टोटल प्रोसेस जो है डॉक्टर साहब आपको खुद बताएंगे, ठीक है। तो आप उनकी ज़बानी सुनिए, आगे का प्रोसेस देखिए, एंड डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, ओके, एंड डू शेयर द वीडियो, थैंक यू। शुगर अगर कंट्रोल में नहीं है तो नहीं कर सकते। इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स रहते हैं कि मतलब अपन जो लेकिन जो जो मेन पॉइंट्स में लगाता ना उसमें सब चीजें कवर हो जाती है, समझे, हमारा हेडेक, स्ट्रेस, हेयर फॉल, ये वो सब ए टू जेड कवर हो जाता है, ठीक है। जल्दी है भाई, कप पकड़ के रखे ना, सर का छोटा रहता मतलब। हाँ, छोटा रहता हाँ, वो बड़ा नहीं लगा सकते, उतना बड़ा लगाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, ज्यादा टाइट लगेगा अगर खींचेगा ऐसा तो बोलो। जो कप यूज करते हैं वन टाइम यूज ही रहता है, यूज करके ठीक बात है, नहीं ये चीज बहुत अच्छी है। सही बोले थे सर्टा जरा, अगर मूड जैसा लग रहा रहेगा तो बोला नहीं लग रहा, सही सही बोला।
ज़्यादा टाइट तो नहीं है, कंफर्टेबल है। डॉक्टर साहब ये क्या लगा रहे हो तुम? ये बेटाडीन लगा रहा है, एंटीसेप्टिक है। अच्छा, ताकि अभी हम लोग कट्स वगैरह लेंगे ना, हाँ, आगे इन्फेक्शन वगैरह या ऐसा कुछ ना हो, उसको कब्स लगाएंगे। अलग अलग साइज के कप्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी, हम लोग बॉडी पार्ट्स उसके साइज समझ सकते हैं। ज़्यादा टाइट नहीं है ना? इसको 5 मिनट्स तक ऐसे रखेंगे, वहाँ पे हेमोस्टेसिस हो जाएगा, मतलब ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग सक्शन रिमूव करके ब्लेड से कट लेंगे, तो ब्लड ऊज आउट होगा। कट ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, लेस देन 1 mm इन डेप्थ एंड लेस देन 1 mm इन साइज नहीं होगा। तो वैसे कट्स लेके ब्लड ऊज आउट होगा। सभी ये प्रोसेस जो आपने किया है ड्राई कपिंग, इसके लिए हम लोग कितना, मतलब 10 मिनट ऐसा कुछ वेट करेंगे? 5 to 7 minutes रखना है। अच्छा, ताकि अच्छे से ब्लड कलेक्ट हो जाए और हेमोस्टेसिस हो जाए वहाँ पे। और आफ्टर 5 to 7 minutes, क्योंकि ज़्यादा अगर रखेंगे तो फिर वहाँ पे स्वेलिंग होने का चांसेस रहता है और ये सब रहता है, तो बेटर कि हम लोग उतना नहीं जाने। So guys, we have started the hijama process. So जैसे कि बहुत से लोगों को पता है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स होंगे भी नहीं, बिकॉज़ ये एक सुन्नत है हमारे नबी की, ठीक है। सो अगर साइंटिफिक इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं मैं आपको खुद सुनाता हूँ, तो डॉक्टर साहब हमको बताएंगे इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे ज़्यादा तो इसके बेनिफिट्स ये है कि अगर हम लोग इसको दो शोल्डर्स के बीच में लगाते हैं, तो ये आपके पूरे बैक को, शोल्डर को एकदम लाइट कर देता है, फ्री कर देता है, और स्ट्रेस वगैरह के लिए भी काफ़ी बेटर है। मोस्टली लोअर बैक पेन के लिए भी जो हम लोग ने वहाँ पे लगाया है टेल बोन पे, मोस्टली लोगों को ज़्यादा वहीं पे पेन होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम ऑफिस का काम रहता है, बैठना रहता है या व्हाटएवर जो भी है, तो वो पॉइंट भी अच्छा है। उससे क्या होता है, लोअर बैक का ये जो पूरा पेन है, ये इतना एरिया पूरा कवर हो जाएगा। ओके, और इससे काफ़ी बेनिफिट ये है कि मसल स्ट्रेंथनिंग होता है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे सब लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी है। क्रॉनिक पेन जो होता है, जिनको कई सालों से पेन है, उस सब के लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन प्रॉब्लम, मसल हेल्थ, तो काफ़ी बेनिफिट्स है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे नबी की सुन्नत है, तो जब वो मेराज पे गए थे, ये हदीस शरीफ है, तो जब वो मेराज पे गए थे, तब जहाँ पे भी उनकी फरिश्तों की जिन जिन जमात पर भी गुजर हुआ था, तो सब फरिश्तों की जमात ने उन्हें ये कहा था कि आप अपनी उम्मत को हिजामा से इलाज के लिए ताकीद करिए, क्योंकि इसमें शिफा है। यहाँ पे हदीस भी लिखी है। ये आप जूम करके देख सकते हो इन डिटेल बेनिफिट्स और हदीस के बारे में। सो जैसा आप मुझे स्टार्ट में बता रहे थे कि टोटल 9 पॉइंट्स है जो एक्चुअली सुन्नत है, हाँ, सो वो आप एक बार मुझे बता देंगे कौन कौन से 9 पॉइंट्स हैं? जो सबसे पहले जो सुन्नत पॉइंट है ये एक है, यहाँ पे वर्टेक्स पे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है ये बैक पे, ऑसिपिट पे। ओके, फिर थर्ड पॉइंट जो होता है हमारा ये बैक के लिए, ये पूरे बैक को कवर करता है, आपकी बॉडी को पूरा फ्री कर देता है, और आपकी आई साइट के लिए भी बहुत बेहतर पॉइंट है। ये 3 हो गए, और यहाँ पे नेक पे 2 सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे एक और यहाँ पे, तो 5 हो गए। फिर 2 जो पॉइंट है वो ग्रॉइन रीजन में, ग्रॉइन रीजन मतलब ये उल्टा लेते हैं, फ्रंट साइड पे यहाँ पे है, ठीक है। Okay. और 2 जो पॉइंट है वो टो पे है,
यहाँ पे, ठीक है, दो पॉइंट है तो टोटल जो है ऐसे 9 पॉइंट्स है। जैसे बहुत से पेशेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, तो उनका एक मिथ होता है कि पेन होगा, सो उसके रिलेटेड आप कुछ बताओगे? पेन होगा या बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि पेन होगा साथ में जो ब्लड निकलता है, तो ऐसा ऐसा नहीं हो कि मतलब ब्लड की कोई कमी हो जाए बॉडी में या ऐसा कुछ? उतना तो ब्लड निकलता ही नहीं है इससे, मैक्सिमम अगर हम लोग निकालते भी हैं तो मैक्सिमम 10 ml पर कप के हिसाब से आता है। तो जैसे अगर हम लोग फर्स्ट टाइम कोई करा रहे हैं तो हम उसको यही सजेस्ट करेंगे कि 5 से 6 कप से ज़्यादा ना कराएं फर्स्ट टाइम इफ यू वांट टू डू इट। और पेन का जो है, देखिए पेन थोड़ा सा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन वी डू द कट्स, व्हेन वी टेक द कट्स विद दिस ब्लेड, थोड़ा सा पेन होता है एंड दैट इज जस्ट फॉर 15 to 20 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। एक बार वो कट हो गए उसके बाद आपको पेन वगैरह फील नहीं होगा। हाँ, बर्निंग सेंसेशन रहता है, वो 2-3 दिन तक रहता है कम से कम बर्निंग सेंसेशन, और तो ऐसा कुछ नहीं है। बस क्योंकि जब कट्स लेते हैं तो सीधी सी बात है, थोड़ा तो पेन होगा ही, बट उसका भी बेनिफिट है। और एक चीज़ लोगों का ये भी मिथ है कि जितना ज़्यादा खून निकलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमको, ऐसा नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि कट में शिफा है, जो हम लोग कट लेते हैं उसमें शिफा है, ना कि जो ब्लड निकलता है उसमें शिफा है। ओके, ब्लेड हम सर्जिकल ब्लेड यूज़ करते हैं जो 15 नंबर की है, सर्जिकल ब्लेड, ये ब्लेड से हम लोग कट्स लेते हैं। तो फर्स्ट सेशन हो चुका है एंड वी आर अबाउट टू डू द सेकेंड वन, जहाँ पे कट्स लेके फिर से देखिए इस तरीके से कप लगाना है। देखिए ये पेशेंट जो है मिस्टर राजू, इनको टिकलिश फील हो रहा है, तो हर लोगों का एक्सपीरियंस इससे अलग अलग है। किसी को पेन होता है, किसी को बर्निंग सेंसेशन होता है, देखो ये हंस रहे हैं, इनको टिकलिंग हो रही है। जैसे आपने देखा काफी माइनर और माइक्रो कट्स है ये, जैसे ये मशीन सक करती है तो ब्लड लूज आउट होना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे रखते हैं 5 to 7 मिनट्स ताकि अच्छे से ब्लड लूज आउट हो जाए, और जब सीरम सीक्रेट होना शुरू होता है तब हमें एक अलग सा लेयर दिखता है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग वो कप्स को निकालते हैं, तो मैक्सिमम उसको 5 to 7 मिनट्स लगता है। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों का ऐसा देखा है कि जो निशान रह जाता है एक राउंड बॉडी पे निशान रह जाता है, वो कितने दिनों में जाता है या हर किसी को आता है? विद इन अ वीक वो डिसअपीयर हो जाता है, पूरा डिसअपीयर हो जाता है। द ओनली रीजन वी यूज दिस थिन ब्लेड इज दैट ओनली दैट देयर आर नो स्कार मार्क्स लेफ्ट आफ्टर द हिजामा। ओके, मैं अपना खुद का कम से कम 3 से 4 बार करा चुका हूँ पिछले एक साल में, मुझे तो लेकिन अभी तक ऐसा कुछ स्कार नहीं है कहीं पे। ऐसे जैसे हिजामा फॉर एन एग्जाम्पल आज बंदे को करवाना है, सो आने से पहले जैसे आपने मुझे गाइड किया था कि 2 घंटे पहले आप जो भी अपना मील है वो कंज्यूम कर लेना और आने से पहले जूस कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है? सो उसके कुछ रिलेटेड बताओगे आप, जैसे मतलब कुछ वेज नॉन वेज कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उसके? रिस्ट्रिक्शंस हिजामा के पहले नहीं है, बट हिजामा के एक दिन बाद के लिए है थोड़े बहुत, लाइक अभी इन्होंने कराया तो एटलीस्ट फॉर 4 to 6 आवर्स ही कैन नॉट टेक बाथ, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग,
फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा हैवी मील अवॉइड करना है आफ्टर द हिजामा फॉर अ डे, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी अभी ये जब हो जाएगा इसके बाद बॉडी रिकवरी फेज में रहेगी. जब अगर हम लोग रिकवरी फेज में उसको हैवी डाइट देके और बॉडी को काम कराएंगे या स्ट्रेस देंगे तो सीधी सी बात है वो आपको भी स्ट्रेस देंगे, है ना. तो इसलिए लाइट डाइट इसके बाद, और बॉडी टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, इसलिए 6 घंटे के बाद यू कैन टेक अ बाथ. और खाने के पहले का ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद कराते हो तो इट इज़ नॉट गुड, इट विल नॉट गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स. तो एम्प्टी स्टमक पे ही कराना है, मिनिमम 2 to 3 hours का फास्ट होना चाहिए. और आने से पहले एक फ्रेश जूस पी के आना है, क्योंकि उससे क्या है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, है ना. तो आप देखेंगे काफ़ी स्लो स्लो ब्लड इसमें पहले के मुकाबले जमा होना शुरू हो गया है. अच्छा, जैसे बहुत से लोगों को कुछ बुरी आदतें होती है जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग और वगैरह वगैरह, सो ये कराने से पहले या बाद में कितना मतलब दिन या आवर्स अवॉइड करना है उस चीज़ को? देखो, अगर आप एक डॉक्टर के नज़रिए से अब अगर आप देखोगे कि वो सब चीज़ें तो जहर ही है, तो अगर आप मेरे को पूछेंगे कि डॉक्टर साहब मैं जहर कितने टाइम के बाद यूँ, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लो ही मत. सबसे पहली चीज़, सो लेट्स से पीपल आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, सो एटलीस्ट फॉर द डे व्हेन यू हैव डन इट यू हैव टू कम्प्लीटली अवॉइड इट. अच्छा, सो दैट यू नो कि उसकी वजह से भी फिर ब्लड में, क्योंकि हम लोग ने डिटॉक्सीफाई किया है, ये डिटॉक्सीफिकेशन द बॉडी के लिए भी है, तो न्यू ब्लड फॉर्म होगा, तो हम लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बंदे को उस उतनी क्रेविंग भी नहीं होगी जितनी यूजुअली अगर होती है, क्योंकि न्यू ब्लड फॉर्म हो रहा है. ओके, और अगर वैसे ही अगर आप इसके साथ एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे लाइक अगर आप जिम करते हो या वर्कआउट करते हो, ऐसा कुछ है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि न्यू ब्लड से फॉर्म हो रहा है आपकी बॉडी में, और आपको और आप बॉडी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो टू मेक इट ग्रो और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं. तो जिम कितने मतलब वर्कआउट कितने मतलब एक 24 आवर्स एक दिन के बाद एटलीस्ट बॉडी को ये करने के बाद एक दिन का तो रेस्ट मेरे हिसाब से मैं यही बोलूंगा कि दो, है ना, ज्यादा स्ट्रेस मत दो बॉडी को एक दिन के बाद. ठीक है गाइस, इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा इनका सेशन कंप्लीट होने के बाद. सो अगर आपको हिजामा करवाना है तो आपको मैं इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगा, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं मिनट, ठीक है, ये बांद्रा में इनका क्लिनिक है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन के, भारत नगर में, पत्थर नगर में इनका क्लिनिक है. आप उनको कॉल कर दोगे, व्हाट्सएप कर दोगे, तो ये ऑब्वियसली रिप्लाई देके आपको फर्दर गाइड कर देंगे, ठीक है. बॉडी पे डिपेंड करता है, अभी किसी किसी की बॉडीज में फैट ज़्यादा होते हैं, इसमें तुम्हारे ये वाले कप में तो कम आया काफ़ी, बाकी वो वाले कप में आया ये प्रोसेस है फ्रेंड्स, कपिंग निकाल रहे हैं. जेली तरह जम गया है ना, बोलो रुकना रुकना, तीन करने
ब्लड स्टेन नहीं रह जाए बॉडी पे, क्योंकि अगर स्टेन रह जाएगा तो फिर नमाज नहीं होगी, इसलिए करके उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना होगा। नॉर्मल सलाइन से क्लीन करने के बाद हम उसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगाते हैं ताकि वाउंड हीलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके ऊपर हम लोग एंटीसेप्टिक पाउडर भी डाल देते हैं। ये लास्ट प्रोसेस था ना, पूरी तरीके से। सो जस्ट टू समराइज, पहले हमने क्या किया, पहले उसको हमने क्लीन किया, पहले उसको बेटाडीन से क्लीन किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोग ने कप्स लगाया उस पे, 5 to 7 minutes के लिए रहने दिया जस्ट टू ताकि हेमोसेसिस हो जाए। फिर उसको कप को निकाला हम लोगों ने, ब्लेड से कट्स किया, कट्स करने के बाद हम लोगों ने वापस से कप्स को लगाया ताकि ब्लड ऊज आउट हो, ब्लड सक हो जाए सक्शन से। और उसके बाद ब्लड जैसे ही क्लॉट हो गया, सीरम आ गया, दिख गया हम लोगों को, उसके बाद हम लोगों ने इसको निकाल लिया। और फिर निकालने के बाद उसको नॉर्मल सलाइन से पहले अच्छे से क्लीन किया, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाला ताकि उसकी वूम में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऑलिव ऑयल डालने के बाद एक एंटीसेप्टिक पाउडर स्प्रिंकल कर दिया। अच्छा, बहुत से लोगों का डॉक्टर साहब क्वेश्चन रहेगा कि सर पे जो ये हिजामा करा रहे हैं तो इसके लिए मतलब पूरा शेव करके आना है? जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि आप ये जो पेशेंट का कर रहे हो, इनके मतलब डिसेंट, हाँ डिसेंट बाल है, और ये मशीन से हो रहा है, सो शेव कराना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है? मैंडेट नहीं है कि आपको शेव करा के ही आना है। ये सक्शन मशीन है तो इसका ये प्लस पॉइंट है कि अगर बाल है भी तो वो भी आप करा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेव करके आएंगे, और शेव करके आएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे माशाल्लाह आपके बाल काफ़ी बड़े, इतने भी जैसे नॉर्मल बाल रहेंगे तो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द मशीन दैट यू हैव।